गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आकृति ब्लॉग्स। एंड गाइस, अभी आज ना मैं कुछ जाते ही जल्दी उठ गई, और आज से मैंने ये फिर से सोचा, क्योंकि बीच में मैंने आपको बताया था कि मैंने जल्दी उठने का डिसीजन लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। ब्रेक क्या यार, सुबह इतनी गर्मी होती है कि उठने का मन ही नहीं होता है, तो फिर से सोच रहे हैं कि वही वाला रूल स्टार्ट कर दें। और जैसा कि अभी बजा है 8 सुबह के, तो मैं उठ गई हूँ और फ्रेश भी हो गई हूँ, और अब जा रही हूँ दही जलेबी लेने। नहीं 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 पहले जाऊँगी भगवान की पूजा करूँगी, और मंदिर से आने के बाद मैं जाऊँगी दही और जलेबी और समोसा लेने। तो चलिए चलते हैं मंदिर और फिर दही जलेबी। सो गाइस, अब मंदिर से आ गए हैं और अब जा रहे हैं फिर से बाहर दही जलेबी लेने। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, वरना ना यहाँ पे माँ हमारे लखीमपुर में जलेबी दही जो सुबह सुबह मिलती है, बाकी टाइम पे नहीं मिलती है। तो एक्सको जलेबी अब ला चुके हैं, और पहले हम लोग हमारे ठाकुर जी जो हैं ये बैठे इधर, और बाकी सारे भगवान का भोग लगाएंगे, देन उसके बाद में हम लोग खुद ही अपना प्रसाद उनका ग्रहण करेंगे। तो फिर जल्दी से पहले यहाँ पे भोग लगा देते हैं और फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। सो गाइज, मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, और आज देखिए मैं क्या लाई ब्रेकफास्ट में, दही जलेबी और समोसे और ये चटनी। क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे, तो उठ के जल्दी से बाहर से ले आए, जल्दी से ले आए। तो फिर गाइस इसको खा लेते हैं। तो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट डन हो गया है, दही जलेबी खाए, समोसा खाया, और अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि जल्दी उठे थे, और आजकल मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। जैसे आपको पता था कि मेरे बर्थडे के दिन मेरे कॉलेज वालों ने एग्ज़ाम रख दिया, बहुत ही गंदा लग रहा था। मतलब एक वो ना एक्साइटमेंट लो हो गई थी यार, कि मतलब बर्थडे के दिन कौन रखता है भाई एग्ज़ाम, और उस दिन पढ़ना, और सब विशेस कर रहे मुझे फ़ोन कर करके, और मैं मतलब सब बोल रहे हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा यार हैप्पी हैप्पी नहीं रहा, क्योंकि बर्थडे के दिन पेपर पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा पेपर भी हुआ और बर्थडे भी बहुत अच्छे सेलिब्रेट हुआ, और आप लोगों ने भी काफ़ी मेरे मतलब बर्थडे वाले लोगों को बहुत सपोर्ट दिया। तो ठीक है, और अब ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है, और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको मैं शाम के टाइम। तो गाइज, अब सो के उठ गए हैं, और बहुत बोरिंग लग रहा है क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी है, कहीं जाने का मन भी नहीं करता है कि बाहर निकलूं या फिर कहीं पार्क जाऊं। बहुत गर्मी है, पार्क में भी तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर ही हाई हो रहा है आजकल। तो गाइज, घर ही पे रहें आप लोग भी, और गर्मी की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर लो होता है, तो बहुत सारी बीमारियां भी होने लगती हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा केसेस भी सुनने को आ रहे हैं कि आज उनका उनकी तबीयत ख़राब होगी, उनका बीपी लो होगा। तो गाइज, आप लोग भी बच के रहिएगा, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नीड है बाहर जाने की, तभी आप बाहर जाएँ, वरना बाहर घर से मन निकलें। और अगर हाँ, अगर आपको इतना ही ज़रूरी कोई काम है, तो प्लीज़ आप लोग अपने साथ बॉटल एक पानी के लेके चलिएगा, और उसमें ग्लूकोज है ग्लूकॉन डी जो आपको अच्छा लगे वो उसमें भर के ले जाइएगा, कि जिससे गर्मी लगे और आप उसको पी सकें। और गाइस, मैंने एक सोचा, मैंने एक चीज़ सोची कि जैसे मैं आपको बताती हूँ अपनी की स्टोरी, जब कैसे बताऊँ, हाँ सुनिए। तो बात है ये 3-4 साल पहले की, यही समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते थे, तो फिर एक मैं यहाँ पे सुप्रिया, नहीं नहीं क्या नाम था, समर कैंप लगता था, मैं उसको थोड़ा सा नाम भूल गई हूँ क्या नाम था, तो मेरे एक अंकल थे, तो मैं वहाँ पे जूनियर क्लास में डांस सिखाती थी, और वहाँ पे मतलब 300-400 बच्चे आते थे जिनको मैं डांस सिखाती थी, हैंडल करती थी। वो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था कि सुबह उठ के, और उस टाइम का जो वो टाइम था वो बहुत ही अच्छा टाइम था मेरे लिए, क्योंकि एक साथ दो दो काम हो जाते थे, जल्दी उठने की आदत भी थी मुझे, सुबह सुबह 7-8 बजे उठ जाते थे, और आजकल जल्दी नहीं उठ पाते हैं, बहुत ही लेट हो रहा है आजकल का टाइम। तो मैंने सोचा ना कि सुबह जल्दी उठूँ फिर से और डांस वांस स्टार्ट करूँ, तो सुबह तो डांस हो नहीं पाएगा, तो उसके टाइम डांस के लिए ना मैंने एक टाइम बनाया है कि शाम के टाइम पे डांस के प्रैक्टिस के लिए किया करूँगी, और इससे मेरी जो ये हेल्थ हो रखी है मोटू मोटू से वो भी सही हो जाएंगे, और डांस का डांस भी हो जाएगा। तो मैं ना अभी सोच रही हूँ कि मैं डांस की रील बनाऊँ जो मेरे यूट्यूब पर भी काम आ जाएगी, और उससे मैं, और सेकेंड थिंग मेरी हेल्थ भी उससे ठीक रहेगी। तो चलिए पहले थोड़ी सी रील्स बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओए गाइस, बहुत ज़्यादा थक गए,
एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से डांस करने के बाद में जो एनर्जी लो हो जाती है, इतनी गर्मी लगती है। और गाइस आप लोग को तो दिख ही रहा है मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। और अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दो और डांस की वीडियोस डाली, तो उस पर भी जाके वो वीडियोस मैं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगी। रात का टाइम हो गया और ये देखी मैं मेरी शैडो मेरे साथ में, जो ऑलवेज साथ में रहती है। तो हम लोग छत पे आ गए हैं और आज मून देखिए कितना ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है, एकदम ऑरेंजस ऑरेंज ऑरेंज कलर का। ये देखिए जो हमारी टेरेस है वो दिख रहा है, और ये देखिए हमारे छत से रात का व्यू कितना ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाइस भाई, अब टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और अब चलते हैं नीचे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया और मुझे डर भी बहुत लग रहा है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए। मैं आपको मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।